वेलकम टू SG Inception, योर एक्रम चैनल। इस वक्त मैं हूँ खारगर में, जो आता है नवी मुंबई में, और इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ अर्बन एक्वेटिक्स फिश शॉप। सो हमारे साथ है अर्बन एक्वेटिक्स के ओनर्स। ऑन द लेफ्ट साइड इज मिस्टर कल्पेश, ऑन द राइट साइड इज मिस्टर अनिकेत। हेलो, हाउ आर यू गाइज? सो ये हमारा आपके शॉप का सेकेंड वीडियो है, जो पहला वीडियो हमने बनाया था 3-4 महीने पहले। जानना चाहूंगा कैसा रिस्पांस मिला आपको? बहुत ही बढ़िया रिस्पांस था, थैंक्स टू यू, यू मोस्ट वेलकम। बहुत जगह से ऑर्डर्स बाहर भी गए, आउट ऑफ महाराष्ट्र भी गए हुए, टोटल थैंक्स टू यू। ओके, सो ये सेकंड वीडियो है और हमारे बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स भी जुड़ गए। तो जिनको आपके शॉप के बारे में पता नहीं है, जो नवी मुंबई में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, उनको क्या आपका शॉप का एड्रेस बता पाएंगे प्रॉपर, जिसको ट्रेन से आना है, जिसको रोड से आना है, कहाँ पे लोकेटेड है ये खारगर में, नवी मुंबई में? ये हम लोग एग्जैक्टली लोकेटेड है सेक्टर 27 में इन खारगर। ये नियरेस्ट लोकेशन आपको है अरियंत कृपा, विच इज अ लैंडमार्क ओवर हियर, एंड आप दोनों तरीके से आ सकते हो, बाय ट्रेन आ सकते हो, बाय रोड आ सकते हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल, लोकल ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल। ओके, डिलीवरी कहाँ तक पॉसिबल है आपसे? ऑल ओवर इंडिया। ओके, सो विथ योर कंसेंट कैन वी प्रोसीड? या अर्बन एक्वेटिक्स की ये है सबसे पहली फिश टैंक जो हम आपको दिखाने वाले हैं। इसके अंदर है एक्सोटिक फिशेस। हमारे साथ है शॉप के ओनर अनिकेत भाई, जो इनके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले भाई ये वैरायटी का नाम बताना चाहेंगे, कौन सी वैरायटी है ये? अल्बाइनो हेकली है, जियोफेगस वैरायटी है। ओके, सेक्लेट वैरायटी है? सेक्लेट वैरायटी है। सो अफ्रीकन है या अमेरिकन? अमेरिकन। ओके, उसके बाद में यहाँ पे नीचे ये भी एक सिकलेट वैरायटी है, निकारागुआ सिकलेट है। ओके, इसमें ये फीमेल है उसकी। अच्छा, और ये आपके पास मेल है, ये वाला मेल है। ओके, एंड यस, अनदर वैरायटी इज जियोफेगस में सुरेनामेंसिस, दीस वंस, यस। सो इसके अंदर अल्बाइनो हेकली है और सुरेनामेंसिस है, और दूसरा है बल्जानी है, वो पुणे में उसका मेल है, अल्फा मेल, ये वाला राइट, जो हीटर के पीछे जी। सो जियोफेगस के तीन वैरायटीज है इस फिश टैंक में, एंड ये एक सिकलेट सेटअप इन्होंने यहाँ पे बनाया है। ये सारे एसेसरीज भी आपके शॉप में मिलेंगे। यस राइट। अब हम आपको दिखा रहे हैं अर्बन एक्वेटिक्स का बीटा कलेक्शन। इनके पास आपको कई सारे बीटा फिश भी देखने को मिलेंगे। ये सारे बीटास इनके पास आप देख सकते हैं, एक्टिव है, प्रॉपर फिन्स है। ये अनिकेत भाई कौन से बीटास है आपके पास? ये भाई हाफ मून बीटास है, सारे अभी हाफ मून स्टॉक अवेलेबल है आपके पास। प्राइस क्या रहेगी इन बीटास की? भाई 150 से शुरू होता है। ओके, 150 ₹150 से शुरू है प्राइस। ओके, नाउ वी आर शोइंग यू द लवली कलेक्शन ऑफ गोल्ड फिश एट अर्बन एक्वेटिक्स। ये वाले अनिकेत भाई बड़े साइज के दिख रहे हैं, कौन से गोल्ड फिश है ये? ये भाई जॉइंट ओरेंडास है। जॉइंट ओरेंडास, यस। ओके, कुछ एक आध दो हमको दिखा पाओगे आप? राइट, एंड ब्लैक वन, क्या साइज रहेगी इनकी अभी? भैया अभी 6 inches तक है। ओके, ऑलराइट। अब हम आपको दिखा रहे हैं अर्बन एक्वेटिक्स का अरवानास का स्टॉक। इनके पास बहुत सारे एशियन अरवानास एट प्रेजेंट अवेलेबल है, उसमें से ये हम आपको सबसे पहला वाला अरवाना दिखा रहे हैं। आप इसके स्केल्स देख सकते हैं, इसका पूरा बॉडी पैटर्न देख सकते हैं, ये साइज में भी बहुत कमाल का दिखाई दे रहा है। अनिकेत भाई कौन सा अरवाना है ये आपके पास? भाई ये आरटीजी अरवाना है, विंगलॉन्ग फार्म का रेड टेल गोल्डन अरवाना है। यस। ओके, क्या साइज का है अभी ये? ये भाई अराउंड 9 to 10 inches का है। ओके, प्राइस बता पाएंगे हमारे व्यूअर्स को आप? भाई ये 15,000 में आ जाएगा, ₹15,000 में। yes. और ये अरवाना अगर किसी को डिलीवरी इसकी चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। यस भाई। ऑलराइट, सो ये था सबसे पहला एशियन अरवाना हमने कवर किया, आरटीजी अरवाना एट 15,000 rupees। नेक्स्ट अरवाना है जो वही है, इसकी भी आप स्केल शाइन देख सकते हैं, पूरी बॉडी के ऊपर दिखाई दे रही हमको।
ये वाला भाई साइज पहले जानना चाहूंगा, ये कितना साइज का है? ये भाई 5 to 6 इंचेस का है। कौन सी अरवाना है ये? क्रॉसबैक अरवाना है। ओके, जैसे ये मुड़ रही है हम देख सकते हैं पूरा शाइन आ रहा है इसके ऊपर, तो ये जब बड़ी होगी कैसा पैटर्न होगा इसके ऊपर? ये भाई पूरा ऊपर से पूरा क्रॉस रहेगा। ओके, और पूरा गोल्डन शेड रहेगा। ऑलराइट, हम ऊपर भी देख सकते हैं इसका रिफ्लेक्शन। ये कैसे प्राइस में मिलेगी हमको? ये भाई 24,000 में आ जाएगी। ऑलराइट, क्रॉसबैक अरवाना एट अर्बन एक्वेटिक्स फॉर 24,000 रुपीज। सो हमने आपको आरटीजी और क्रॉसबैक अरवानास दिखा। इनके पास और बहुत सारे एशियन अरवानास का स्टॉक है, अलग अलग टाइप्स के एशियन अरवानास है इनके पास। हम आपको ईच एंड एवरी अरवाना टाइप दिखाएंगे, साथ ही उनकी प्राइस भी बताएंगे। तो सबसे पहला वाला यहाँ पे जो है वो देख लेते हैं हम लोग। सो इस अरवाना की आप टेल फिन देख सकते हैं, कॉडल फिन देख सकते हैं। ये वाला अनिकेत भाई कौन सा अरवाना है? बहुत कम देखने को मिलता है भाई। ये सुप्रीम रेड है। सुप्रीम रेड, ये सियानलॉन फार्म का। ओके, ये अभी एट प्रेजेंट क्या साइज का है? ये भी 5 to 6 इंचेस है। ओके, बड़ा होने के बाद कैसा ट्रांसफॉर्मेशन आता है इसमें? ये फुल रेड हो जाएगा। ओके, क्या प्राइस में मिलेगा यहाँ पे हमको? ये आपको आ जाएगा 40,000 में। ऑलराइट, नाउ विल प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट अरवाना व्हिच इज ओवर हियर, दिस वन। ये वाला कौन सा है भाई? ये एलीके फार्म का हाई क्वालिटी सुपर रेड है। Oh. और F5 ग्रेड है। ओके, ये पूरे इंडिया में 2 पीसेस आए हुए हैं, एक अपने पास है। वंडरफुल, पूरे इंडिया में सिर्फ 2 पीस अवेलेबल है, उसमें से अर्बन एक्वेटिक्स इज हैविंग 1 पीस, राइट? यस, आप कलरेशन दोनों में देख सकते हो कि क्या डिफरेंस है। जी जी, रेड कलरेशन में भी। जी जी, ये कैसे प्राइस में मिलेगा? ये 55,000 का है। यर इज नेक्स्ट एशियन अरवाना टाइप। ये वाली अलग दिखाई दे रही है भाई, कौन सी है भाई? ये ब्लू वेस क्रॉसबैक में है। ओके, बुकेट मेरा फार्म की है। अच्छा, ये भी सेम 5 to 6 इंचेस में। बहुत से रिक्वायरमेंट्स है कि ब्लू वेस छोटे साइज में दीजिए। ओके, इसीलिए हमने अपने आपके व्यूवर्स हमारे कस्टमर्स के लिए अवेलेबल। अमेजिंग। सो ब्लू वेस कैसी होती है, कैसी ट्रांसफॉर्मेशन होती है अडल्ट होने के बाद? ऊपर का जो आपको ये जो डॉट्स दिख रहे हैं, जी जी, इधर तक पूरी ब्लू हो जाएगी भाई ये। ओके, और बाकी का बॉडी पैटर्न गोल्डन रहेगा। क्या प्राइस में मिलेगा ये भाई? ये 28,000 का है। राइट, नाउ वी आर शोइंग यू अ सिकलेट टैंक। इसके अंदर बहुत सारे सिकलेट वैरायटीज है। कौन से सिकलेट फिश है भाई? भाई ये मलावी सिकलेट है। ओके, क्या प्राइस में मिलेंगे आपको ये? 150 पैर से स्टार्ट हो जाएगा। 150 रुपए से मिलेंगे। नीचे हम लोग देखेंगे बहुत बड़े साइज के फिश है। कौन से फिश है ये भाई? ये टिन फॉइल बार्ब्स है। टिन फॉइल बार्ब्स, डॉलर है। ओके, इसके बाद यहाँ पे आपको शवल नोट कैटफिश दिखेगा। शवल नोट कैटफिश, या टिन फॉइल बार्ब्स भाई क्या साइज के है? अभी बहुत बड़े दिखाई दे रहे हैं भाई। ये अराउंड 6 इंचेस के है। 6 इंचेस और कुछ प्लस भी है। ओके, और ये शार्क भी है, सिल्वर शार्क। ओके, सो टिन फॉइल बार्ब्स हम किसके साथ रख सकते हैं? कोई भी मॉन्स्टर वैरायटी के साथ रख सकते हो। नाउ वी आर शोइंग यू द नेक्स्ट फिश टाइप। आप इसका बॉडी का पैटर्न देख सकते हो पूरे बॉडी के ऊपर, और डोर्सल और टेल फिन के तरफ इनको हाइलाइटेड कलर है। ये वाला अनिकेत भाई कौन सा फिश वैरायटी है भाई? ये ग्रीन टेरर है। ओके, छोटे साइज में अवेलेबल है। अच्छा, सो हमने बड़े साइज के सिल्वर टिनफॉइल बार्ब्स देखे। इसके अंदर उनकी और एक टाइप है, ये वाली कौन सी है भाई? चमकदार है बहुत। अल्बाइनो टिनफॉइल है ये। ओके, और इसके साथ आपको दिख रहे ऑस्कर्स, फायर ऑस्कर्स भी दिख रहे हैं। ओके, यहाँ पे है फायर ऑस्कर्स। सो ये टिनफॉइल बार्ब्स भाई, अल्बाइनो टिनफॉइल बार्ब्स कैसे मिलेंगे भाई? ये 150 के पैर से आ जाएंगे। अच्छा, ऑस्कर्स बड़े भी है आपके पास, राइट? राइट। सो यहाँ पे इनके पास बड़े साइज के खूबसूरत ऑस्कर्स, आप पैटर्न भी देख सकते हो इनका ये साइज में। ये वाले ऑस्कर्स भाई कौन से हैं? ये फायर रेड ऑस्कर्स हैं। फायर रेड ऑस्कर्स, यस। ओके, वो वाले थे भाई, उनकी साइज कितनी थी और इनकी साइज कितनी है? वो अराउंड 2 इंचेस के थे जी, ये 4 इंचेस के हैं। ओके, और इसके अंदर एक हमको गार भी देखने को मिल रहा है। कौन सा मॉन्स्टर फिश है ये
ये एलिगेटर कार है। ओके ये 7 inches के अराउंड है। अच्छा ये भी बहुत बड़ा होता है जी। सो आप यहाँ से इसका लुक देख सकते हैं, मॉन्स्टर लुक। यहाँ पे और एक बढ़िया मॉन्स्टर फिश है, मॉन्स्टर फिश कीपर्स की बहुत फेवरेट फिश मानी जाती है ये। क्या नाम है अनिकेत भाई इसका? ये अरापाइमा है। अरापाइमा फिश अभी एट प्रेजेंट क्या साइज की है? 9 inches तक रहेगी। और कितनी बड़ी होती है वो बताना चाहेंगे? ये बहुत बड़ी होती है। सो अनिकेत भाई, क्योंकि ये मॉन्स्टर फिश है तो इसका डाइट बहुत ही हैवी होता है, क्या खाना खिलाना चाहिए इसको, क्या डाइट इसका होता है? इसको आप लाइव फिश खिला सकते हो, GHM खिला सकते हो। ओके और जो भी आप मॉन्स्टर वैरायटीज के लिए जो खिलाते हो वो सब खिला सकते हो इसको। ओके यहाँ पे है प्यारा डिस्कस का स्टॉक अर्बन एक्वेटिक्स में। दो टाइप्स के भाई अनिकेत भाई दिख रहे हैं, कौन से इसके अंदर? भाई ये येलो डिस्कस है जी, और दूसरे जो है वो फ्लोरा डिस्कस है। ये फ्लोरा डिस्कस है। साइज बेहद बड़ी दिखाई दे रही है, इनकी क्या साइज है? भाई ये 4 inches की साइज है। कैसे मिलेंगे ये? ये आपको येलो वाले आ जाएंगे 3000 rupees से पीस। ओके और वो जो दूसरा है वो 3500 से। ऑलराइट। इनके पास है एक स्ट्राइकिंग पैटर्न वाला डिस्कस का पैर। ये वाला निकित भाई कौन सा डिस्कस है? ये टर्कोइज वैरायटी। यहाँ पे है प्यारे प्यारे गप्पीज का स्टॉक। तो भाई कौन से गप्पीज है इसके अंदर? भाई ये कोई गप्पीज है। ओके इसमें दोनों मेल फीमेल दोनों का स्टॉक है। अच्छा। और आप देख सकते हो ब्रीडिंग सही है जी, और अच्छी साइज भी है इनके पास। आप देख सकते हैं बड़ी साइज के हैं। सो इनके पास और भी गप्पीज का स्टॉक है। आप इनकी टेल देख सकते हैं, बेहद अट्रैक्टिव है, पैटर्न से भरी हुई है। ये वाले अनिकेत भाई कौन से गप्पीज है? इसमें दो वैरायटीज है। ओके इसमें एंडलर गप्पी है और कोबरा गप्पी है। कौन से वाले एंडलर्स है ये? दिस वंस यस, ये जो आप देख रहे हो जो टाइनी वाले यस सीजर टेल जैसी है जल्दी, और दूसरे वाले ये कोबरा गप्पी है। ये वाले कोबराज है यस, और नीचे ये वाले दिस वंस ये कार्डिनल है, कार्डिनल टेट्रास है यस। इस टैंक में भाई ये फिश हम देख सकते हैं, पीछे बहुत ही खूबसूरत पैटर्न है इसको कलर का। ये बोस्मानी रेनबो है, डबल एक्सेल साइज में। ओके दूसरे डॉलर है, सिल्वर डॉलर है। ओके और गुरामी है। कौन सी गुरामी है? ये कॉपर गुरामी है। ये वाला ये क्रेबेंसिस है भाई। ओके और ये कौन सा कॉरिडोर है? ग्रीन कॉरिडोर है। यहाँ पे आपके पास एक लोच की वैरायटी है, कौन सी लोच है ये? ये हिल स्ट्रीम लोच है। क्या साइज की रहेगी अभी ये? अभी 2 inches तक रहेगी। ओके और यहाँ पे जो टैंक के एजेस पे आए हुए ये वाले कौन से है भाई? ये एलिगेटर्स है, सीएमईज एलिगेटर। ओके यस, ये एल्गे क्लीनिंग का प्लांटेशन में भी रख सकते हैं, एल्गे क्लीनिंग का ये काम करते हैं। अच्छा सो ये वाला भाई कौन सा फिश है? ये ब्रिसल नोस है, अल्बाइनो ब्रिसल नोस। सो अब हम आपको एक क्रेफिश की वैरायटी दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं इनके पास बहुत सारे और बेहद छोटे साइज के हैं। कौन से है भाई क्रेफिश ये? भाई ये मैक्सिकन क्रेफिश है, ये डॉर्फ वैरायटी है। अच्छा ये प्लांटेशन के लिए जिसको क्रेफिश रखना है वो ये रख सकते हैं। और ये इतने ही ग्रो होते हैं कि और बड़े होते? ये डॉर्फ वैरायटी है तो ये छोटा ही रहता है। सो ये मैक्सिकन क्रेफिश की और एक कलर है इसमें यस। ये भी सेल के लिए अवेलेबल है? हाँ। इस टैंक में भाई आपके पास कौन कौन से वैरायटीज हैं? इसमें नियोन मिलेंगे डबल एक्सेल साइज में जी, उसके बाद पास्कल रेनबो है। ओके सीजर टेल है, सिग्निफायर रेनबो है। ओके ज़ेब्रा स्नेल है। और ये वाला? ये सेम ब्रिसल नोज है, अल्बाइनो ब्रिसल नोज। नाउ वी आर शोइंग यू अनदर मॉन्स्टर फिश एट अर्बन एक्वेटिक्स। ये वाली
कौन सी है अनिकेत भाई? ये भाई रेडटेल कैटफिश है। बहुत बड़ी दिखाई दे रही है, क्या साइज है इसकी अभी? ये 17 इंचेस तक है। 17 इंचेस? हाँ। ओके, इज इट अवेलेबल फॉर सेल? यस। क्या प्राइस में सेल कर रहे हो फिर भाई? ये 2000 में आ जाएगी। अच्छा, फीडिंग इनको क्या कराते हो आप? लाइव फिश और जीएचएम। क्या आप दिखाना चाहोगे? हाँ। ऑलराइट, हमारे कुछ व्यूवर्स को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो सो यू कैन स्किप द वीडियो। अर्बन एक्वेटिक्स में आपको एसेंशियल एक्वेरियम प्रोडक्ट्स मिलेंगे, जैसे इंटरनल फिल्टर, टॉप फिल्टर, कैनिस्टर फिल्टर, टैंक्स भी इनके पास अवेलेबल है, फिश बॉल्स भी है, एक्रेलिक, उसके बाद में फिश टैंक शोपीस है, टर्टल टैंक्स है, देन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेक्शन में आपको फिश फूड हीटर, शोपीसेस, वो सब इनके पास मिल जाएंगे लाइट्स के साथ। एवरीथिंग इज अवेलेबल एट अर्बन एक्वेटिक्स, इट्स अ वन स्टॉप प्लेस फॉर ऑल योर एक्वेरियम नीड्स। This was today's video about Urban Aquatics and Fisheries located at Khargar in Navi Mumbai. ये थे हमारे साथ Mr. Kalpesh and Mr. Aniket, the owners of Urban Aquatics. So see you soon guys, बहुत मज़ा आया आपका वीडियो बनाकर और आपका स्टॉक देखकर। आशा करता हूँ कि हमारे व्यूवर्स को भी उतना मज़ा आएगा देखकर। Thank you so much SJ for the video. So thank you so much for watching, happy fish keeping and have a wonderful day here. आपको Urban Aquatics का contact number and एड्रेस इस वीडियो के ऑन स्क्रीन एज वेल इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हैव अ वंडरफुल डे अहेड।